सड़क पर बिना नंबर प्लेट के फर्राटे भरने वालों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई सोमवार को भी शहर के चौक चौराहों में चली। सिटी कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई के नाम पर खूब वसूली की और इसकी परिणति ये निकली कि एसआई को आम नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर कांग्रेसी युवकों से विवाद होता रहा। कांग्रेसियों ने इस कार्रवाई को जबरिया आम नागरिकों को परेशान कर वसूली करने की कार्रवाई बताया कि पुलिस इतने ही जागरूक है तो पूरे शहर में जो आए दिन चोरी सेनवारी कार्रवाई हो रही है उस पे इनको सजग होना चाहिए, ना कि आम जनता को आम नागरिक को जो परिवार के साथ जा रहे हैं त्योहार का माहौल है ऐसी स्थिति में परेशान करना हमारे समझ से परे है। और इसमें माननीय एसपी महोदय से मेरा आग्रह है कि इस पे तुरंत लगाम लगाया जाए। कार्रवाई के दौरान थाना सिटी कोतवाली के एसआई और आरक्षकों से आधे घंटे तक लोगों का विवाद चलता रहा। इस दौरान कुछ एक ने जुर्माना कटाया तो कुछ आरक्षकों की मनमानी वसूली पटाकर चलते बने। यह सब वाक्या हमारे कैमरे के सामने ही चलता रहा। कार्रवाई को उच्च अधिकारियों के निर्देश बताकर विवाद के बीच वसूली करते एसआई ने खुद बताया कि वे हॉस्पिटल आए हुए थे, हाथ में जुर्माना पर्ची था तो वे भिड़ गए जुर्माना काटने। ये हम लोग थाने के सामने करते हैं क्योंकि मैं यहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में आया था और मेरे पास पर्ची थी और टीआई साहब भी बोल चुके हैं कि काली फिल्म वाले जो गाड़ी हैं उस पर भी कार्रवाई करना है, हाईकोर्ट का आदेश है ना। और जिस पे नंबर प्लेट नहीं है जिससे अपराध होने की संभावना है और जो जिसपे जिसका लाइसेंस नहीं है इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। थाने के सामने अमूमन यह कार्रवाई कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी करते हैं। अचानक से हटरी चौक पर हुई सघन जांच अभियान से आम नागरिकों में अफरा तफरी मच गई। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने दस्तावेज और नंबर प्लेट ओके रखने वाले वाहन चालकों की भी नहीं सुनी, जो विवाद का कारण बना। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज, बिलासपुर।